तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं रामनगरी अयोध्या से, जहां पर प्रभु श्री राम का स्वागत किया जा रहा है। राम दरबार सजा हुआ है, एक बहुत बड़े स्तर पर दीपोत्सव की वहां पर तैयारियां की गई हैं। खुद योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कई बार इस दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया है। समझ लीजिए पूरे अयोध्या जिले के जो स्कूल कॉलेज हैं, तमाम बच्चे इस दीपोत्सव में इसको सफल बनाने में लगे हुए, उनकी अथाह मेहनत इसमें है। सीधे चलते हैं अयोध्या ही। शुभांकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता, कुछ और संवाददाता हमारे वहां पर, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन शुभांकर बताइए, इस वक्त आप बता रहे थे कि 5 बजे तक का कार्यक्रम है और वहां पर तमाम गणमान्य पहुंच रहे हैं भगवान राम के अभिषेक के लिए, उनके तिलक के लिए। सीधी तस्वीरें भी दिखाइए और जो भी आप देख पा रहे हैं वो बताइए। दिखा दूं मैं, ये जो तालियां बज रही थी, दरअसल जो तिलक ने कार्यक्रम था वो खत्म हो गया है। योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में जो पर्यटन मंत्री हैं नीलकंठ तिवारी, वो योगी आदित्यनाथ को भेंट कर रहे थे। और यहाँ पर देखिए, अब केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, उनको भी यहाँ स्वागत किया जा रहा, स्वागत सम्मान है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये स्वागत सम्मान के अलावा 5:30 बजे तक यहाँ कार्यक्रम है। अभी थोड़ी देर बाद योगी आदित्यनाथ संबोधन करेंगे, जिसमें कई चीजों का लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा, उसके बाद सरयू घाट जाएंगे। और जो बच्चों का जिक्र आप कर रहे थे, मैं आपको बता दूं दर्शकों को, 14,000 बच्चे हैं जिन्हें वॉलंटियर बनाया गया है और 9.5 लाख दिए हैं गौरव, जो अकेले सरयू घाट पर लेंगे। लेकिन वहां कार्यक्रम 5:15 के बाद होगा। 5:15 के पहले ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, मंच पर यहां पर तिलक जो था वो हो गया राम जानकी मुस्कुराते हुए, और यहां पर सम्मान समारोह चल रहा है। देखिए जल शक्ति मंत्री का यहाँ सम्मान किया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ मौजूद है, केशव प्रसाद मौर्य मौजूद है, जी किशन रेड्डी मौजूद है, आनंदी बेन पटेल को आना था लेकिन वाई नहीं, स्थानीय सांसद यहाँ मौजूद है लल्लू सिंह, इसके अलावा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जो है वो भी यहाँ मौजूद है। ये कार्यक्रम चल रहा है, अब इसके बाद यहाँ मंच से संबोधन होगा, जहाँ पर खासतौर पर योगी आदित्यनाथ पर नजर रहेगी। शुभांकर आप मुझे संकेत दीजिएगा, जैसे वहां पर आपको लगता है कि तुरंत हमें दर्शकों को दिखाना चाहिए, मैं तुरंत आपके पास आऊंगा। लेकिन क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर सुंदरकांड गायक याग्निक जी हैं, और क्यों ना जब वो यहाँ पर मौजूद हैं तो दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा उनसे चौपाइयाँ सुनाई जाएँ, उनसे भजन सुनवाए जाएँ। और अभी जब ब्रेक पर थे तो मुझे आप याग्निक जी कह रहे थे कि मंगलम मैं गाना चाहता हूँ, और उसके बाद वो स्तुति जो भगवान शिव ने भगवान राम के लिए की थी, जय राम रमा रम नम सम नम भवताप भयाकुल पाही जन्म अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाही प्रभु। तो याग्निक जी अब आप। रामाय मंगलम राघवाय मंगलम, 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 सीता समेत रामचंद्राय मंगलम, सीता समेत रामचंद्राय मंगलम, सीता समेत रामचंद्राय मंगलम, सीता समेत सब लोग गाइए चंद्राय मंगलम, मंगलम 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 मंगलम, मंगलम 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 मंगलम, मंगलम पुंडरी काक्ष मंगलायतनो हरि, मंगल भवन अमंगल हारि, प्रभु सुदशरथ गज विहारि, सब लोग गाइए, मंगल भवन अमंगल हारि, प्रभु सुदशरथ गज विहारि, मंगल भवन अमंगल हारि, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुराए, उमा सहित जेहि जपत पुराए, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम सब लोग गाइए, राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम।
कर मंगल गाए, अवध में राम आए हैं। आओ सब मिल कर मंगल गाए, अवध में राम आए हैं। अवध सिया राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। अवध सिया राम आए हैं, अवध सिया राम आए हैं। आओ सब मिल कर मंगल गाए, अवध में राम आए हैं। आओ सब मिल कर मंगल गाए, अवध में राम आए हैं। बात है याग्निक जी, मैं आऊंगा और आपको जो स्तुति आपने कही थी कि भगवान श्री राम के लिए शंकर जी ने जो स्तुति गाई थी, अभी उसको भी हमें सुनना है। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।